सबसे ताजी खराश है ना इस पे, जो मेरे दिल पे खराश है और इसके बम्पर पे खराश है, वो ये वाली है। ये लाइट सख्त पसंद आती है और ये मैंने अभी तक पाकिस्तान में किसी फॉर्च्यूनर पे नहीं लगी हुई देखी। पहले ऑफ करके चेक करते हैं। 2700 सीसी इंजन है, इतनी हैवी आवाज आती है कट ऑफ एग्जॉस्ट की, वो आपको मैं अभी चेक करवाता हूँ। ये यहाँ से डिंगा हुआ है ना, ये थोड़ा मारने की वजह से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग हमारा फॉर्चूनर के बारे में है। जैसा कि आपको बताया था, सुबह आपका भाई फॉर्चूनर का व्लॉग बनाएगा। देखें बाहर का कितना पाबंद हूँ मैं सुबह सुबह उठ के हूँ व्लॉग बनाने के लिए। सुबह तो नहीं, अभी 11 बज रहे हैं, वो भी सुबह ही होती है। ठीक है समरिया, इस वक्त आपका भाई छत पे मौजूद है और अभी आपको अपनी फॉर्चूनर पे भी और ग्रैंडे पे भी दिखाता हूँ छत से। तो जी हमारी दोनों शहजादियाँ, आज हमने इसका व्लॉग बनाना है। तो अब हम चलते हैं, गाड़ी की चाबी चुकते हैं, गाड़ी चुकते हैं और गाइस हम जरा अपनी गड्डी को थोड़ा सा कपड़ा मार लें, ज़्यादा नहीं मार सकते क्योंकि इस पे वो दरख्त की वो नहीं होती, ओस गिरी होती है, जो भी गिरी होती है वो गिरी हुई है तो कपड़ा मारने का फायदा नहीं है, उल्टा और खराब हो जाएगी और गंदी हो जाएगी। छोटा मोटा कपड़ा मार लेते जहाँ जहाँ जरूरी है। ठीक है, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप थोड़े से इसके सिनेमैटिक्स देख लें, इसके आसा पासा देख लें, फिर मैं आपको एक एक करके वो आसा पासा एक्सप्लेन करता हूँ उसका क्या सीन है। तो गाइस अब हम शुरू करते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ उस गाड़ी को मैंने क्यों मॉडिफाई किया। पूछा किसी ने कि सबसे पहली वजह यह है कि शौक था मॉडिफाई करने का, दूसरी वजह यह है कि थोड़ा सा अलग करने को दिल करता, मतलब लोग से डांस वगैरह ज्यादा मॉडिफाई करते तो मेरा बड़ा दिल था एसयूवी भी मॉडिफाई हो, कम लोग करते हैं इस वजह से। तीसरी वजह कुछ ऐसी थी कि इस गाड़ी की हालत ना इंतहाई खस्ता हुई हुई थी, पहले मैंने ठीक ठाक किया थोड़ा सा इसको, मतलब इसमें काफी डेंट वगैरह थे, लाइट्स वगैरह काफी खराब थी, रैप कुछ हुई हुई थी कुछ नहीं हुई हुई थी, पिक्स वगैरह आपको नजर आ रही होंगी स्क्रीन पे। पहले तो मैंने वो सारा कुछ उतारा, रैप वगैरह जो भी खराब वगैरह लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कोई बहुत खास मजा नहीं आया, तो फिर ये लाइट्स मंगवाई अगली। ये बॉडी किट इसकी जेन्युइन नहीं है, ये TRD वाला मॉडल नहीं है, सिंपल होती थी ये बॉडी किट इसकी लगवाई और पिछली लाइट्स चेंज करवाई और इसके अलावा जो रैपिंग के काम होते हैं वो करवाए। अभी आप चेक कर सकते हो माशाल्लाह से इतनी लेवल की लगती है लाइट, सख्त पसंद आती है और ये मैंने अभी तक पाकिस्तान में किसी फॉर्चूनर पर नहीं लगी हुई देखी, पता नहीं किसी ने लगवाई है नहीं। बैक वाली मैंने देखी है, काफ़ी लोगों ने लगवाई है लेकिन ये मैंने अभी तक नहीं देखी। फ्रंट पे जो स्टील बार लगा हुआ है ना इसकी अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि इसको उतार दो, इसको इस वजह से लगाया हुआ है, ये लगा हुआ ना तो गाड़ी का पूरा हिस्सा सलामत है, वरना आपको क्या बताएं उस गाड़ी पे इतने इतने जुलम हुए हैं, पता नहीं कितने कितने जुलम हुए। ठीक है समरिया, अगर ये ना लगा होता ना तो अभी फिलहाल इसका बोनट वगैरह जाली सब कुछ फारिग होती, इसकी वजह से बची हुई है। ये आप चेक कर सकते हो इसकी हालत, यहाँ पे भी ये पूरा ऐसे पाइप लगा हुआ था बड़ा हैवी किस्म का लेकिन वो पज गया है, ये यहाँ से पूरा वेल्ड हुआ है, ये इंसानों के बच्चों की तरह नहीं लगा हुआ जिस तरह लगता होता है, बस ये जुगाड़ किए हुए हैं सब बस बेटा। अच्छा वो आप लोगों ने देखी होगी ये लाइट क्यों लगवाई हुई, हालांकि इसमें बड़ी हैवी लाइट लगी हुई है, ऑक्स LEDs लगी हुई है, लेकिन ये लगवाने की वजह कुछ ऐसी है कि ये जो हमारी लाइट की हाई बीम है ना, इधर की भी और इधर की भी, इसकी ये जो हांडी है ना, ये जो स्क्वायर सा बना हुआ है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है तो लाइट सीधी नहीं जाती, वो इधर और इधर लेफ्ट और राइट चली जाती है, इस वजह से बीच में हमने ये दो प्रोजेक्टर लगाए हैं और ये बीच में दो लाइंस आप देख सकते हैं। मेरा दिल था ग्रैंडे की लगवाई हुई है तो इसकी भी लगवा ली मैंने, इसको भी मेरा दिल था थोड़ा वक्रा बनाने का इस वजह से। ओके,
इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर फ्रंट का बताऊं क्या क्या इसमें चेंज हुआ है, तो ये लाइट चेंज है, ये इसमें आफ्टर मार्केट लगवाई है, ये पूरी बॉडी किट लगवाई है, ये लगवाया है, और ये ग्रिल मैंने काफ़ी ढूंढी है, आफ्टर मार्केट मुझे नहीं मिली तो इसी को मैंने ब्लैक कर दिया। लोगों भी राइड किया था लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से इसको वापस सिल्वर कर दिए। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि मुझे हर जगह कुछ ना कुछ तुनने का शौक है, तो मैंने यहाँ पे भी फिन लगाए हुए हैं, वरना एसयूवी पे ज़्यादा कि मैंने तो अभी तक लगे नहीं देखे, तो ये दो लगे हुए, वैसे तीन थे, उस साइड का उतर गया था तो मैंने इधर का भी उतार दिया, ये नहीं कि लगा दूँ इधर का भी, बस उतार दिया मैंने, वो भी गाड़ी में बड़े वो भी लगा दूंगा मैं। उसके बाद अगर आपको फॉग लाइट की कहानी सुनाऊँ तो वो कुछ ऐसी है कि इसमें बल्ब लगा हुआ है और इसमें भी लगा हुआ है, ऑक्स LEDs का लगा हुआ है, लेकिन मसला ये है कि इस साइड की वायरिंग ख़राब है, ये वाली हाई बीम भी नहीं चलती, ये वाली डे टाइम रनिंग भी नहीं चलती, सॉरी पार्किंग लाइट भी नहीं चलती, और ये फॉग लाइट भी नहीं चलती। अब ये मुझे कैसे पता चला कि इसकी यहाँ से वायरिंग ख़राब है, वो एक दफ़ा हमने ऑक्स LEDs से फॉग लाइट्स ऑर्डर की, वो दो दिन में ख़राब होगी, तो उनकी पॉलिसी थी कि आप लाइट्स वापस कर सकते हो अगर वो वारंटी से पहले ख़राब होती है, वो मैंने वापस कर दी, उन्होंने मुझे दूसरी भेज दी, वो दूसरी भी चार दिन में ख़राब होगी, फिर मैंने उनको वापस कर दी, फिर उन्होंने कहा सर आप अपनी गाड़ी की वायरिंग चेक करें, हमारा मवेश ना खाएं। अभी मैं आपको उसकी पुरानी लाइट दिखाता हूँ, आप चेक करो उसके सामने जब वो रखो तो कितनी बेसुरी लगती है वो। तो गाइस ये इसकी पुरानी वाली लाइट, इसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई है, घसीटें लगी हुई है इसको। अब इस लाइट के बाद इस लाइट को देखो, कसम से कितना मजा आता है, कितनी लेवल की लगती है ये, माशाल्लाह। ये आप चेक करो ये इसकी हालत है, यहाँ पे सही हैवी वाली इसको घसीटें लगी हुई है, ए तको ये। अच्छा, इसके अलावा ने गाड़ी काफ़ी रफ यूज़ हुई हुई, हर तरफ इसके डेंट वगैरह पड़े हैं, कहीं पे पेंट चेंज हुआ हुआ है, कहीं पे खराशें लगी हुई है, कहीं पे क्या, वो भी दिखाता हूँ आपको। ऐ तको जी, जो सबसे ताज़ी खराश है ना इस पे, जो मेरे दिल पे खराश है और इसके बम्पर पे खराश है, वो ये वाली है, अभी जो रिसेंटली थोड़े दिन पहले लगी थी वो ये वाली है। उसके अलावा ये भी है, ये भी है, ये है, ये भी 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 है, पूरा डेंट है ये, आप चेक कर सकते हो। फिर इस साइड पे ये भी है, लेफ्ट साइड पे, ये पूरे दरवाजे पे, इस साइड के फेंडर पे ये भी है, ए तको ए भी है, बेचारे बोनट पे ये भी है, पिलर पे चेक कर सकते हो आप डेंट, ये भी है, 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 ये भी है। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दे, मतलब बस आप देख लो, बहुत ज्यादा रफ यूज हुई है, लेकिन फिर भी इतना प्यारा हमने इसको मॉडिफाई किया हुआ है, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल, तो इस वजह से बहुत सोनी लगती है, वरना ये इस पे निशान वगैरह बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये इतने फालतू किस्म के निशान ये किस चीज के हैं, ये वाले, ये भी, और ये सारे, इसके अलावा ये साफ सुथरी है, कपड़ा शपड़ा इस पे लगा हुआ है, और ये भी, इसके अलावा मतलब ये सारे हर तरफ से जो थोड़ी गंदी हुई है, क्या चीज़ है ये, बेसिकली एक शादी के लिए गाड़ी तैयार करवाई थी, अब उस पठान ने कोई ऐसी लेवल की टेप लगाई है, ऐसी इंतहाई जालिम टेप लगाई है, इसकी ये हालत हो गया, वो उतर नहीं रही, इसको पेट्रोल से रगड़ा, इसको सब कुछ किया, ये नहीं उतर रही, अब शायद कंपाउंड कराया तो उतर जाए, अल्लाह करे उतर जाए। यही टैप मुझे मेरे ख्याल से ग्रैंडे के पैडल शिफ्टर्स पे लगा लेनी चाहिए, जो सबसे डीट है, हर दूसरे दिन उतर जाते हैं, ये आइडिया अच्छा रहने का। बाकी इधर भी ऑक्स LEDs लगी हुई है वाइट, और यहाँ पे ग्रैंडे की तरह हमने रेड इंडिकेटर लगाया है, चेक कराता हूँ आपको, ए तको जी, ये पूरी वाइट और ये रेड इंडिकेटर, और इसके अलावा बीच में लगा हुआ वो वायरिंग का थोड़ा इशू है, तो एक चल रहा है एक नहीं चल रहा, पता नहीं कुछ इधर से चलता है कुछ इधर से चलता है, जिंदगी में पता नहीं क्या चल रहा है। तो अब हम जरा गाड़ी की साइड पे आते हैं, इधर से हमने कैलीपर जो है वो ऑरेंज किया हुआ है, इससे पहले रेड किया था, और इंशाल्लाह इसके भी रिम्स ब्लैक करने का पूरा इरादा है हमारा, इंशाल्लाह जल्दी वो भी कर लेंगे, ठीक है। फेंडर पे हमने ये 4x4 का लोगो लगाया हुआ है, इधर ही आपके बाइक का इंस्टाग्राम, और ये ऊपर अमेरिकन मेड लिखा है। साइड में का ये पहले ऑरेंज करवाया था, लेकिन वो जरा फीका सा कलर था, इस वजह से उतार दिया, इस पर फिर वो स्मोक पेपर लगाया हुआ है, और बाकी साइड से आप लुक चेक कर सकते हो, थोड़ी ख़राब सी हुई हुई है, कि यहाँ से ख़राब है क्योंकि इस गाड़ी को 7 साल हो गया, इधर ट्रक वजह था हैवी किस्म का। इधर साइड पे TRD स्पोर्ट्स का लोगो लगाया है, ये जेन्युइन आता था इसका। अब बैक की बात करें तो बैक में तकरीबन मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, जो चाहिए वो ये स्पॉइलर मुझे TRD वाला नहीं मिल रहा। अगर आप में से किसी के पास है या किसी को पता है कि इसको ऐसे साइड से थोड़ा नीचे करने का कोई जुगाड़ हो सकता है तो दसो मुझे, क्योंकि वो TRD स्पॉइलर साइड से थोड़ा सा ऐसे होता है, वो बड़ा प्यारा लगता है, अगर वो नहीं भी मिलता तो कोई हैवी सा जुगाड़ ही दस दो। और ये इसकी खूबसूरत तरीन लाइट्स, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको V8 भी कहते हैं, कुछ को समझ ही नहीं आती, कुछ मजाक से कह देते हैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा शौक था मुझे ये लाइट्स लगवाने का। बैक पे ये V जो है जेन्युइन आता था, ये लिमिटेड मैंने लिखवाया है, ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं लिमिटेड कौन सी फॉर्चूनर आती है, कोई भी नहीं आती, ये लिखवाया मैंने, सॉरी लिखवाया नहीं लगवाया है, और ये पूरा क्रोम में आता था, इसको ब्लैक करवाया है। इधर एक छोटा सा TRD का लोगो लगा हुआ था, वो भी उतर गया, गाड़ी में पड़ा, वो भी लगाना है दोबारा।
और भाई साहब नीचे आए तो यहाँ पे ये बन टिप लगाई हुई है बड़ी सी। इससे पहले जो लगी हुई थी वो ब्लू कलर की थी लेकिन थोड़ी छोटी थी, इस वजह से लगवाई है। अच्छा, इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसका ना थोड़ा सा साइज छोटा था, इसको हथौड़े मार के लगाए, ये ऐसे नहीं लग रही थी। इस पर मैं आपको हथौड़े के निशान भी दिखाता हूँ, ये चेक करो आप लोग, ये यहाँ से डिंगा हुआ है ना, ये हथौड़ा मारने की वजह से हुआ है। ये प्योर कार्बन फाइबर में था, बड़ा प्यारा सा था, ये बस उतर गया, रफ हो गया काफी। और भाई साहब आपको सिर्फ बन टिप का तो नहीं बताना था, इसमें कट ऑफ एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। 2700 cc इंजन है और इतनी हैवी आवाज आती है कट ऑफ एग्जॉस्ट की, वो आपको मैं अभी चेक करवाता हूँ। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं बगैर कट ऑफ के, तो आप आवाज़ सुने, और जब ऑन करेंगे तब सुनिएगा। अभी सिंपल पे है, ऐसी आवाज इसकी स्टार्ट होने की। अब जरा कट ऑफ ऑन करके चेक करो, है ना फिर हैवी आवाज, बड़ी मजे की आती है। सही बात है, बहुत हैवी आती है। हूँ मैं तुहानू रेव करके तकाना, ऑफ करके तो ऑन करके, असल मजा तो उसका है ना। तो गाइस पहले ऑफ करके चेक करते हैं, अब ऑन करके। ओए होए होए होए, मजा नहीं आ गया, मैं कहता हूँ क्या लेवल की आवाज है। हाय हाय, पहले मैंने इसको ना जो इसमें मतलब ख़राब वगैरह थी ना लाइट्स वगैरह, उनको मैंने बफ वगैरह कराया, पेपर जो ख़राब लगे हुए थे, क्रोम लगे थे, मैंने उतारे। मैंने कहा चलो नीट एंड क्लीन होगी है, लेकिन वो मज़ा नहीं करा रही थी, फिर इस वजह से लाइट्स वगैरह चेंज की, इसको फिर ज़रा मॉडिफाई किया। इस साइड पर ये फ्यूल पम्प क्या कहते हैं इसकी, क्या कहते हैं फ्यूल कैप, हाँ इसको हमने कार्बन फाइबर किया हुआ है, यहाँ पर वो वाला स्टिकर लगा हुआ है। अब ये मतलब चेक कर सकते हो आप, इतना अजीब लग रहा है सारे, इसको जल्दी कंपाउंड कराना, पूरी गाड़ी पर हुआ हुआ है, इतना अजीब लगता है। ब्लैक टेंट इसके किए हुए थे लेकिन इस्लामाबाद में जीने नहीं देती पुलिस ब्लैक टेंट हुए हुए हो तो। अब ये थोड़ा सा हुआ हुआ है, ये वाला फुल हुआ हुआ है, ये वाला भी फुल हुआ हुआ है। और ये जो टेंट है ना, ये वाला और ये वाला, इसको 7 साल हो गए जब से गाड़ी है, तब का हुआ है, बड़ा परफेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, इसके भी पीछे से आपको मैं टर्न सिग्नल चेक करवाता हूँ और रिवर्स लाइट चेक करवाता हूँ। तो गाइस ये इसकी रिवर्स लाइट है, ये क्या नाम है, वाइट कलर की है, ये रनिंग इंडिकेटर है, ये पूरी ऐसी ही आई थी, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ये जो लाइट्स हैं ना, ये शुरू से ही मैंने स्मोक पेपर लगवा के लगाई हैं, मैंने उसको अभी तक उस हालत में नहीं लगाया, ये मतलब रेड कलर की मैंने भी नहीं देखी गाड़ी, उसको मैंने पहले स्मोक करा ली थी, लगवाने से पहले ही मैंने उसको पकड़ा ली थी, भाई इसको स्मोक कर दे। तो मतलब आपके भाई ने भी इसकी स्मोक पेपर के बगैर वाली लुक नहीं देखी, मतलब मुझे मज़े की भी नहीं लगती वैसे, रेड प्यारी नहीं लग रही थी, तो इस वजह से मैंने पहले ब्लैक करा ली थी। डिग्गी खोल के चेक कराते हैं आपको, कुछ ऐसे हालात हैं डिग्गी के। ओ खैरा ने, क्या बात है, ये जो है कट ऑफ का सिस्टम है पूरा, ये इसकी बदसूरत लाइट अगली वाली जो आपको अभी दिखाई है। तो अब गाइस आपको इंटीरियर चेक कराता हूँ इसका, क्या सीन है इंटीरियर का। सबसे पहले आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ, ये है इसकी चाबी, यही जेन्युइन आती थी इसकी, इसमें चेंज कुछ भी नहीं किया, ये की चेन है। इसे पहले बड़ा प्यारा रिम लगा हुआ था इस पर, लेकिन वो एक फ़ैन को पसंद आ गया तो मैंने कहा भाई तू ले ले। इंटीरियर की बात करें तो ये आपके भाई ने रैप कराया हुआ है। अच्छा, इस गाड़ी में मैंने जो भी रैप कराया ना, वो हमेशा सलामत ही रहता है, ग्रैंडे में जो कराऊँ वो उठा हो जाता है कुछ ना कुछ, थोड़े दिन बाद वो ख़राब हो जाता है, ये अभी तक सलामत है, काफ़ी अर्से का हुआ है इधर भी और इस पास भी। इसके अलावा ये आप चेक कर सकते हो, इतने हमने कोबरा लगाया हुआ है हैवी किस्म का। अच्छा, इसकी यहाँ पे ब्लू आइज भी जलती थी लेकिन वो बस थोड़े दिन का ही काम होता है, उसके बाद फारिग हो जाती हैं। और इसमें एटमोसफेयर लाइट लगी हुई है, अभी सुबह तो थोड़ी सी कम नज़र आ रही हैं। ये इसकी एटमोसफेयर लाइट का, ये जो है कट ऑफ का, और ये पिछला एसी ऑन ऑफ करने का, ये कट ऑफ का बटन है, ये अब अजय सूटा छिकते हैं क्या क्या बोला तूने, और ये 4x4 वाला गियर है। इसके अलावा सीट्स की बात करें तो इसको हमने ब्राउन किया हुआ, अभी काफी खराब हो गया, इसको कंपाउंड कराएंगे क्या बोला तूने, पता नहीं कंपाउंड होती है डिटेल होती है जो भी होती है करा लेंगे भाई। ये हमने चेंज किया हुआ, चेंज नहीं किया मतलब इसके ऊपर ये लेदर चढ़ाया हुआ हमने, ये इसी कलर का होता था, इस साइड से चेक कर लें आप, इस कलर का होता था ये, इसको हमने ब्लैक किया। स्टीयरिंग भी हमने कुछ ऐसा किया, लेकिन स्टीयरिंग का सीन कुछ ऐसा है कि ये जब जगह है ना पूरी इस टाइप की, ये मैंने ब्लैक छोड़ने को कहा था उसको, लेकिन भाईजान उसने अपनी मर्जी की, उसने कहा मैं क्यों इतनी मेहनत करूं ऐसी करके दे दिया, केड़ा मैंने उसको पकड़ के मारना था। अब चलो बंदा कहता है अगर किया तो सीधा, तो ये डिंगा हुआ है बड़ा बुरा लगता है, स्नैप बनानी हो इतना मज़ा आता है स्नैप बनाते हुए, लेकिन ये देख के जरा अजीब हो जाता है हिसाब किताब। और ये पूरा सिल्वर होता है इन बटन्स की तरह, ये भी ब्लैक किया हुआ है। अच्छा, सबसे जो खास रोला है ना इस गाड़ी का वो आपको बताऊँ ना, तो वो ये है कि इसका पेट्रोल का जो फ्यूल गेज है ना, इधर से भी और जहाँ पे रेंज होती है वो भी, वो दोनों ख़राब है। शाबाश बेटा,
इसका फ्यूल पंप खुला था, इस वजह से कोई इशू हो गया, उसने वो खराब है, वो ठीक भी कहीं से नहीं होता। अब ये रेंज इधर 220 शो हो रही है, चेक कर सकते हो आप, और ये फ्यूल यहाँ पे तकरीबन फुल के पास पास शो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एंड लगी हुई है। अभी उस दिन थोड़ा सा भरवाया तो उसके बाद गाड़ी काफी चली हुई थी, अब इसका कोई पता नहीं है कब बंद हो जाए। फिर ये इतनी भारी है, इस बहू को दिक्कत कौन लगाए, तौबा तौबा। इसके अलावा लाइट हमने इसमें भी व्हाइट वाली लगाई हुई है, ऐसे के पी नथिंग। और ने इसमें पहले बड़ा तेज लगा हुआ था, लेकिन वो दोबारा मुझे मिला नहीं, तो मैंने वही ग्रैंडे वाला लगवा लिया, ये वाला और ने। यहाँ पे ये पूरा कार्बन फाइबर का रैप किया हुआ है, ये भी सिल्वर था पूरा। अभी मेरा दिल है ये छोटू वाला गियर भी चेंज करने को, कोई प्यारा सा अगर मिल जाए तो। तो गाइस अब फाइनली हम 0-100 टेस्ट करते हैं, जो कि बड़ी मेन चीज होती है, मुझे तो बहुत मेन चीज लगती है, हर गाड़ी का 0-100 टेस्ट तो होना ही चाहिए, फर्ज है ये। ठीक है समरिया। हमारी फॉर्चूनर बेबी पसंद आई होगी, बल्कि सख्त पसंद आनी चाहिए, फर्ज है आप पे, आपने उसको सख्त पसंद करना है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है इस फॉर्चूनर का। okay. अभी बस हमने जल्दी इसका कोई नाम रखना है, जिससे हमने ग्रैंडे का सरकार रखा हुआ है, इसका भी कोई नाम सोचना है, और मेरा दिल अमेरिकन मेड की जगह हम इसका नाम लिखवा लेंगे और नंबर प्लेट बनवा लेंगे इसकी। तो अब आप अपने प्राग को इजाजत दो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाने मन आप भी बोल दो अल्लाह हाफिज़। ये चीज़।